हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कफ और कॉलर बनाने के बारे में। ये मैंने कॉलर पहले से ही पेस्टिंग कर रखा हो। इस प्रकार से हम इसको मोड़ लेते हैं, इस पे सिलाई लगा लेंगे इस प्रकार से, और फिर इसको हम इस प्रकार से बराबर कर लेंगे। और यहाँ पे हम बकरम से थोड़ा हटकर ही सिलाई हल्का लगाएंगे, बकरम के नीचे नीचे लगाना है। इस प्रकार से इधर भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई हो चुकी है। अब इसको हम दबाव को इस प्रकार से काट लेंगे और इसको हम लमसम आधा इंच इस प्रकार से ज़्यादा रख लेंगे। अब फिर इसको हम पलट लेंगे इस प्रकार से। ये हमारा कफ बनकर तैयार हो चुका है। इसी प्रकार से हम दूसरा वाला भी कफ बना लेंगे। अब इसके बाद में हम आपको कॉलर बनाने के बारे में बताएंगे। ये हमारा कॉलर का स्टोन है, मैंने पहले से पेस्टिंग कर रखा है, मैंने बता भी चुके हैं। इसको हम ये जो हमारा आधा इंच का मार्जिन जो हम रख लेते हैं, उसको इस प्रकार से मोड़ लेंगे। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब इसको हम दबाव जो है इसको हम थोड़ा सा हल्का कट लेंगे और इसको हम लमसम आधा इंच ही रखेंगे इस प्रकार से। इसमें बीच में हम गुटका उठा लेंगे। ये हमने गुटका उठा लिया है। अब हम कॉलर बनाने के बारे में बताएंगे। ये हमारा बैंड है। अब हम कॉलर बना रहे हैं, वो उल्टी नोकदार हम बनाएंगे। तो इसको हम इस प्रकार से दबाव को बराबर काट देंगे हम, क्योंकि ये उल्टी नोकदार हमारा कॉलर बनेगा। अब हम इसके बाद में दबाव में अपना रख लेंगे इस प्रकार से। इसको भी हम उसी प्रकार से अच्छे तरीके से इस पर हम धागा डाल लेंगे, नोक पे रोक लेंगे और रोकने के बाद में धागा इस हिसाब से डाल लेंगे और फिर इसको हम इस प्रकार से इधर कर लेंगे। इससे हमारी नोक बहुत अच्छी प्रकार से निकलती है। हमें बकरम के नीचे नीचे चलाना है और इसको नोक जहाँ पे नोक है वहाँ पे रोक लेंगे इस प्रकार से, और इधर भी धागा हम डाल लेंगे। हल्का सा एक सूत सुई का धागा निकालने के बाद में अब ये दबाव हम कट कर लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे गुटकी लगा लेंगे हम, चार पांच लगा लेते हैं इस प्रकार से, जिससे हमारी अच्छे तरीके से कॉलर पलट जाए। ये हमने कॉलर पलट लिया है। अब इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। आप कदर की लगाना चाहो कदर की, पैर की लगाना चाहो पैर की, इस प्रकार से सिलाई हम लगा लेंगे। अब इसके बाद में इधर भी सिलाई लगा लेते हैं हम। अब ये दबाव हम कट कर लेंगे और बीच में हम इसमें गुटका इस हिसाब से उठा लेंगे। अब हम बैंड अपना और एक कपड़ा ये जो होता है इसको हम इस हिसाब से रख लेंगे। सबसे पहले इसको हम रख लेंगे और इसको हम इस हिसाब से कॉलर रख लेंगे। इसके अंदर हम गुटका और गुटके पे ही हमको रखना है। ये गुटका जो है हमने दोनों का उठाया था, इसको अच्छी तरीके से इस हिसाब से गुटके पे ही गुटका बैठना चाहिए हमारा। और इस प्रकार से हमारी कॉलर बन चुकी है। इसी प्रकार से कॉलर बनाना सीख सकते हैं आप। अब इसको हम पलट लेंगे। ये हमारी कॉलर पलट लिया है। पलटने के बाद में इस पर हम कदर की या चाप की जो सिलाई लगाना चाहो वो लगा सकते हो आप। इस प्रकार से सिलाई लगा लेंगे और ये हमारी कॉलर बनकर बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, बहुत अच्छे तरीके से। अब इसका दबाव हम
आधा इंच इस प्रकार से रख लेंगे, बाकी दबाव हम ज़्यादा वाला कट कर देंगे। ये हमारी कॉलर बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें बीच में हम गुटका उठा लेंगे, आपको कॉलर चढ़ाने के बारे में भी बताएंगे हम। अब हम आपको कॉलर चढ़ाकर दिखाते हैं। इसको पहले इस प्रकार से हम बराबर देख लेंगे, बराबर हमारा कॉलर आ रहा है तो इस पर हम इस हिसाब से गुटका बीच में उठा लेंगे। और गुटका उठाने के बाद में इस पर हम ये जो गुटका हमारा है इसको हम उस गुटके में बराबर रखेंगे। इस प्रकार से इस पर हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट कर लेंगे। अब इसी प्रकार से गुटका हमारा अच्छी तरीके से बराबर कर लेंगे। अभी हमारा गुटके पे गुटका बैठा हुआ है, इसको अच्छी तरीके से हम पैर की सिलाई लगा रहे हैं इसमें। ये हमारी सिलाई इसी प्रकार से हो जाएगी। अब हमारा कॉलर कच्चा हो चुका, अब इसको हम पक्का करेंगे। ठोका अच्छी तरीके से अंदर कर लेंगे। अंदर करने के बाद में इसमें हम ऊपर कदर की सिलाई लगा लेंगे। इस प्रकार से अच्छी तरीके से हम कॉलर को पक्की कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आपको कफ के बारे में बताएंगे। अब ये हमारी आस्तीन है, इसको इस प्रकार से हम चाक पट्टी की तरफ से चढ़ाएंगे। इस हिसाब से इसमें यहाँ पे हम टाकी बांध करके और आधा इंच बराबर सिलाई लगाते हुए और इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे बराबर हमारा आ रहा है। अगर थोड़ा 19-20 होता है तो हम दबाव में हल्का सा दबाव थोड़ा जो सिलाई होती है उसमें ज़्यादा डाल देते हैं। इसी प्रकार से दूसरा वाला भी हम कप चढ़ा लेंगे। अब हम शर्ट को सीधा तरफ कफ कर लेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से पक्का कर लेंगे। अब इस पर हम सिलाई जिस हिसाब से कॉलर पे लगाई थी उसी हिसाब से अच्छे तरीके से ठोका अपना सही कर लेंगे, इधर उधर निकलने ना पाए। अब इधर हम कफ पे पैर की सिलाई चारों तरफ मार लेंगे। ये हमारा कफ यहाँ पे अब टाँकी बांध लेंगे। ये हमारा कफ चढ़ चुका है। इसी प्रकार से दूसरा वाला भी हम कफ को पक्का कर लेंगे।